हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है हमारे चैनल सबके सब पे। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया भी फ्रेंड्स कि आपने हमारे चैनल को विजिट किया अभी तक। फ्रेंड्स, आप सभी से मैंने पिछले वीडियो में, पिछले एपिसोड में मैंने ये कहा था कि अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप वर्किंग भी हैं और ऑनलाइन पैसे अगर आपको कमाना है, ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं, तो कमाने का क्या क्या तरीका है, कैसे पैसे ऑनलाइन कमाए जा सकते हैं, उसका क्या तरीका है। तो कई वेबसाइट्स का मैंने नाम लिया था, आप पिछले वीडियो को देखकर जान सकते हैं। कई वेबसाइट्स का मैंने नाम लिया था जहां पर आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, जिसमें पहला नंबर मैंने कहा था यूट्यूब पे वीडियो बनाकर आप पैसे कमा सकते हैं। जो आपका टैलेंट है, अपने टैलेंट को वीडियो के माध्यम से वीडियो में बनाए अपने टैलेंट को। जैसे आप टीचर हैं तो आप ट्यूटोरियल बना सकते हैं, अगर आप फनी वीडियोस, फनी गाइज हैं तो आप फनी वीडियोस बना सकते हैं, डॉक्टर हैं तो आप अपने मेडिकल से रिलेटेड बना सकते हैं। इसी तरह से अगर आप खाना बनाने के शौकीन हैं तो आप रेसिपीज से रिलेटेड वीडियो बना सकते हैं। तो बहुत तरह के वीडियोस आप बना सकते हैं और उस वीडियो को यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। जो लोग देखेंगे वो देखने के पैसे आपको मिलेंगे, यानी उसका जो उस पर जो एडवर्टीजमेंट आएगा वो गूगल उस एडवर्टीजमेंट का पैसा आपको देती है। तो चलिए उन चीज़ों को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, किस तरह से पैसे आते हैं, कैसे पैसा को हम लोग गूगल एडसेंस के थ्रू से कैसे हम लोग पैसे को ये करते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले तो यूट्यूब चैनल बनाना कैसे, उसका कंप्लीट प्रोसेस जान लें। तो कंप्लीट प्रोसेस जानने के लिए हमारे इस वीडियो को कंप्लीट आप देखें, पूरा तरीका सिखा देंगे यहाँ पे कि किस तरह से चैनल बनाया जा सकता है। पहली चीज़ तो ये है कि आप YouTube पे चैनल बनाने के लिए आपका एक Google अकाउंट होना कंपलसरी है, जिसे Gmail अकाउंट कहते हैं। Gmail अकाउंट अगर आपका नहीं है तो मेरा एक वीडियो है जो उस वीडियो को देख करके आप जान सकते हैं कि Gmail अकाउंट कैसे बनाया जा सकता है। तो आप यहाँ पर जैसे मैंने ओपन किया हुआ है, अभी मैं यहाँ पे होम पे आ जाता हूँ, फिर आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ जाएगा। आप यहां पर YouTube.com सर्च करके गूगल में आप YouTube पे आ जाएं। YouTube पे आने के बाद सबसे पहले वो जो आपका Gmail ID है, वो Gmail ID यहां पे साइन इन करें, यहां पे साइन इन करें अपने उस Gmail ID से जो आपका गूगल अकाउंट है, जिसे Gmail ID कहते हैं। सपोज मैं यहां पे अपने इस Gmail ID से यहां पे साइन इन कर रहा हूं, ये मैंने साइन इन कर लिया। अब साइन इन हो जाने के बाद हमें एक चैनल क्रिएट करना है। ये मैंने साइन इन कर लिया। अब साइन इन कर लेने के बाद देखिए यहां पे एक मेरा प्रोफाइल पिक आ रहा है। उसी तरह से जब आप साइन इन करेंगे तो आपका यहां पे प्रोफाइल पिक आएगा। इस प्रोफाइल पिक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का एक अलग विंडो ओपन होगा। इस विंडो में आप आ जाएंगे क्रिएटर स्टूडियो पे या फिर सेटिंग पे, दोनों में किसी पे भी आएंगे एक ही काम होगा। अगर मैं यहाँ पे सेटिंग में आ जाता हूँ तो देखिए क्या होता है। अगर आपका कोई चैनल पहले से बना हुआ है YouTube पे तो आप दूसरा चैनल यहाँ पे बना सकते हैं। अगर आपका कोई चैनल नहीं बना हुआ है तो यहाँ पर फ्रेंड डायरेक्ट यहाँ पे आएगा क्रिएट योर चैनल। और अगर आपका पहले कोई चैनल बना हुआ है लेकिन आपको पता नहीं, कभी गलती से भी कोई चैनल अगर आपने पहले बना लिया, दो चार साल पहले बना हुआ है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या हुआ नहीं हुआ बन गया, अगर आप दूसरा चैनल बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बना सकते हैं, या फिर अगर आप न्यू चैनल बनाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कैसे बना सकते हैं। पहली चीज तो ये है कि ये जब आप विंडो ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये जो विंडो ओपन होगा इसके नीचे सबसे यहाँ पे लिखा रहा था सी ऑल माई चैनल्स और यहाँ पे और क्रिएट अ न्यू चैनल, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये एक अलग विंडो पे लेके जाएगा, इस विंडो पे लेके जाएगा। यहाँ पे मेरा पहले से एक चैनल चल रहा है A to Z रेसिपी करके, तो इस चैनल पे मुझे नहीं जाना है, यहाँ पे क्रिएट अ न्यू चैनल करना है। क्रिएट अ न्यू चैनल, जब आपका कोई चैनल नहीं रहेगा तो सिर्फ ये प्रोफाइल पिक दिखेगा और यहाँ पे क्रिएट अ न्यू चैनल एक यहाँ पे इस तरह का बटन दिखेगा जिस पे आपको क्लिक करना है। तो क्रिएट अ न्यू चैनल पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक अलग विंडो ओपन होगा। यहाँ पे कह रहा है टू क्रिएट अ न्यू चैनल क्रिएट अ ब्रांड अकाउंट। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ब्रांड अकाउंट नेम यहाँ पे आप क्या रखना चाहते हैं, जो आपको चैनल का नाम रखना है वो यहाँ पे चैनल का नाम टाइप करें। जैसे मैंने एक फॉर एग्जांपल मैंने एक चैनल बनाना है, उसको मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ टॉक टू
गुरुजी, टॉक टू गुरुजी, इसको मुझे क्रिएट करना है, ये मेरा ब्रांड नेम हो गया। ये जो टॉक टू गुरुजी मैंने लिखा, ये आप अपने हिसाब से जो चैनल का नाम रखना चाहते हैं, सबसे पहले तो उसे आप अच्छे तरीके से जान लें, यूट्यूब पे सर्च कर लें कि आपको नाम कौन सा रखना है। बेहतर नाम रखें फ्रेंड्स, जो आपको हमेशा काम आएगा। अब यहाँ पे टॉक टू गुरुजी एडिट लेआउट क्रिएट स्टूडियो, अब यहाँ पे आप आ जाएं क्रिएट स्टूडियो पे। क्रिएट स्टूडियो पे आने के बाद यहाँ पर इस तरह का एक डैशबोर्ड ओपन होगा। इस डैशबोर्ड में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वीडियो मैनेजर है, वीडियो है, प्लेलिस्ट, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो इन चीज़ों पे आपको अभी नहीं आएगा जब तक आप कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड ना कर लें। अब क्या होगा, यहाँ पर हम आएंगे, फिर से यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर क्रिएटर स्टूडियो पे क्लिक करेंगे, या फिर ये जो हमारा चैनल है इस पे भी हम क्लिक कर सकते हैं, या क्रिएटर स्टूडियो पे भी क्लिक कर सकते हैं। अब ये जो मेरा चैनल है व्यू चैनल, इस चैनल को हम देखेंगे मेरा किस तरह का चैनल बना है। एडिट लेआउट पे क्लिक करें आप, ये एडिट लेआउट पे आप आ गए। यहाँ पर आने के बाद कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, वो ये है कि गूगल अप्रैल 2017 से पहले कुछ और नियम कानून इसके थे जो अब बदल गया है, यानी अप्रैल 2017 से कुछ नियम कानून यहाँ पे बदल दिए गए हैं यूट्यूब के, वो आपको जानना ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्रोफाइल पिक है, यानी ये आइकन है जो आप चैनल आपने जो बनाया है उस चैनल का, यहाँ पे आपको ये लोगो सेट करना है, उसे आइकन भी कह सकते हैं। और ये जो बड़ा सा आप ब्लैक देख रहे हैं इसे बोलते हैं आर्ट बोर्ड, इसको एड चैनल आर्ट भी कहते हैं। इस पे आपको एक पिक यहाँ पे लगाना होगा, इसका साइज और इसका साइज मैंने दो बना के रखा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप क्लिक करें, क्लिक करने के बाद मुझे क्या कह रहा है, एडिट चैनल आइकन, योर चैनल आइकन इज लिंक टू ए ब्रांड अकाउंट, चेंज मे टेक अ फ्यू मिनट्स टू शो ऑन योर चैनल, यानी कि जब इसे मैं एडिट करूँगा तो इस पर शो करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसको एडिट करते हैं। एडिट करने के लिए ये गूगल प्लस पे आपको लेके जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं होता, ये गूगल प्लस पे आपको लेके आ गया। गूगल प्लस पे आने के बाद यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप अपलोड करें, अपलोड अ फोटो, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जहाँ पे आपका रखा हुआ है वहाँ पे आप आ जाएं। ये आपको बनाकर पहले से रखना होगा क्योंकि ये अपलोड करना कंपलसरी है। चलिए ये हो गया, इसको डन कर देते हैं। ये थोड़ा टाइम लगेगा प्रोसेस होने में, तो उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया, अब आ जाएं आप फिर से यहाँ पे, ये थोड़ा टाइम लगेगा तो उसके लिए कोई ये नहीं है। जी अब फिर से आप YouTube पे आ जाएं और आने के बाद आप यहाँ पे एक चैनल आर्ट पे आप क्लिक करें और इसमें भी आपको एक एडिट चैनल आर्ट पे आपको आना है, एडिट चैनल आर्ट, इसमें भी आपको एक सिलेक्ट करना है फोटो, सिलेक्ट अ फोटो फ्रॉम कंप्यूटर में कर लेता हूँ यहाँ पे, और ये मैंने बनाया है इसको, इसका साइज आप देख रहे होंगे 2560x1440, यानी ये पिक्सल इतने साइज़ का होना चाहिए, 4 MB मैक्सिमम साइज़ होनी चाहिए, इससे बड़ी साइज़ अगर होगी तो ये अपलोड नहीं हो पाएगा, ये भी आप ध्यान में रखें। अब ये यहाँ पे ये बता रहा है कि आप जो अपने चैनल आर्ट अभी हमने अपलोड किया है वो कैसा दिखेगा, तो डेस्कटॉप पे ये इस तरह से दिखेगा, टीवी पे इस तरह से दिखेगा और मोबाइल पे इस तरह का दिखेगा। ये तीनों चीज़ें आपको दिखाकर बता दिया कि इस तरह का दिखेगा, तो एडजस्ट द क्रॉप आप कर सकते हैं, या फिर आप सिलेक्ट कर लें यहाँ पे। तो इस तरह से ये हो गया, तो ये हमारा अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा और ये मेरा अपडेट हो गया, ये भी कुछ टाइम में अपडेट हो जाएगा, तो इसके लिए कोई ये नहीं है। अब ये एक चीज़ें आपको और यहाँ पे जाननी ये होगी कि ये दो जो ऑप्शन हमारा
कंपलसरी था वो हमने कर दिया। एक तो हमारा आइकन यहाँ पे सेट कर दिया हमने जो अभी अपलोड होगा, और ये चैनल आर्ट हमने अपलोड कर दिया। दो चीज़ें हमने पार कर गए। अब उसके बाद तीसरी चीज़ ये है, वो ये है कि आपको एक वीडियो कम से कम अपलोड करना होगा। यहाँ पर से एक वीडियो आपको अपलोड करना होगा। तो कैसे अपलोड करेंगे? यहाँ पे आप जाएंगे, पहले से आपको एक वीडियो बना करके रखें, या फिर कोई भी आपका ऐसा वीडियो है जो आप शेयर करना चाहते हैं वो वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन खुलेगा अपलोड का, वहां पर आप अपलोड कर सकते हैं। ये ऑप्शन खुल गया, इस पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कह रहा है कि आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैं इसका एक वीडियो है ये, मैं अगर ओपन कर लेता हूं तो ये आप इस तरह से अपलोड कर सकते हैं। मैं यहां पे सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूं कि किस तरह से अपलोड करते हैं। ये कह रहा है कि यहाँ पे आपको टाइटल सेट करना है, यहाँ पे टाइटल सेट करना है। जो आपका वीडियो है वो किस टॉपिक पे वीडियो है, सब्जेक्ट क्या है, वो सब्जेक्ट का यहाँ पे नाम आपको लिखना होगा। जैसे मैंने अभी बनाया है टॉक टू गुरुजी, तो वो टेक्निकल वीडियो है, तो मैं वो भी कर सकता हूँ, टॉक टू गुरुजी टेक्निकल वीडियो। ये आपको टाइटल लिखना होगा। टाइटल जितना बेहतर होगा वीडियो सर्च में उतना ज़्यादा आएगा यूट्यूब पे, और जो वीडियो सर्च में ज़्यादा आता है उसकी व्यूज़ ज़्यादा बढ़ती है। तो आपको ये ध्यान, अच्छा इस पे मैं एक वीडियो स्पेशल बनाऊंगा कि ये जो वीडियो अपलोड करते हैं वो उसका कंप्लीट प्रोसेस क्या है, किस तरह से अपलोड करना चाहिए जिससे हमारा व्यूज़ ज़्यादा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको देख सकें। ये हो गया। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आपको लिखना होगा। इसका जो टाइटल है ये मैक्सिमम 100 लेटर्स का होना चाहिए, और यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन इसका 5000 रहता है। इसको आप कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखना है, कुछ भी आप लिख सकते हैं इसके बारे में, इन दिस वीडियो यू विल लर्न अबाउट टेक्निकल, कुछ इस तरह से आपको लिखना होगा। जो जिस तरह का वीडियो है इसमें आप कंप्लीट लिख सकते हैं। उसके बाद टैग्स पे आते हैं। टैग्स पे आपको ये लिखना होता है कि आपका जो वीडियो है वो किस चीज़ के लिए है, तो लोग अगर सर्च करेंगे तो क्या लिखेंगे। जैसे आपने यूट्यूब पे कोई सर्च करते हैं तो कैसे लिखते हैं, तो जैसे यहाँ पे कुछ भी आप इस तरह से टेक्निकल टेक्निकल एक हो गया, आप इंटर प्रेस करेंगे तो ये एक टैग बन जाएगा। उसी तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं एजुकेशनल एजुकेशनल, आपका जो चैनल है वो भी आप नाम दे सकते हैं। ट्यूटोरियल है तो ट्यूटोरियल आप कर दें, ट्यूटोरियल ये आप, तो इस तरह से टैग आप बना सकते हैं। यहाँ पे टैग जितना ज़्यादा ज़्यादा टैग देंगे उतना बेहतर होगा। 14-15 और बड़े बड़े टैग आप दें तो बेहतर होगा। इसमें 500 लेटर्स का रहता है मैक्सिमम, आप इतना तक दे सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें कंपलसरी हो गई फ्रेंड। उसके बाद ये है थंबनेल। जो ये थंबनेल है ये अपने हिसाब से कोई भी एक थंबनेल आप चूज करके यहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे ये थंबनेल, ये वीडियो दिखेगा यूट्यूब पे किस तरह से दिखना चाहिए। उसके बाद फिर है यहाँ पे पब्लिक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें अनलिस्टेड है, प्राइवेट है, शेड्यूल है। तो आप पब्लिक के लिए कर रहे हैं तो आप पब्लिक के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइवेट, अगर मैं अभी पर प्राइवेट रखना चाहता हूँ, अभी किसी को दिखाना नहीं चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे प्राइवेट रखूँगा। जब ये अपलोड हो जाएगा कंप्लीट तो आप यहाँ पे आप पब्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड टू प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप अपना एक ऐड टू प्लेलिस्ट बना सकते हैं। जैसे ये वीडियो मेरा टेक्निकल वीडियो है, तो मैं यहाँ पे टेक्निकल ट्यूटोरियल टेक्निकल ट्यूटोरियल का एक आप टैग बना सकते हैं इस तरह से। तो ये ऐड टू टेक्निकल ट्यूटोरियल इंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये बन जाएगा, ये जो बना है इस पे। तो इस तरह का आप जितना चाहें अलग अलग तरह का एजुकेशनल प्लेलिस्ट बना सकते हैं। आप जिस तरह का प्लेलिस्ट वैसा प्लेलिस्ट आप बना सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद फिर आप आ जाएंगे एडवांस सेटिंग पे। एडवांस सेटिंग में यहाँ पर आप अपना वीडियो का लोकेशन डाल सकते हैं। जैसे मैं अगर दिल्ली में हूँ तो आप दिल्ली इस तरह से टाइप करेंगे, वो ऑटोमेटिक दिल्ली ले लेगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे लैंग्वेज है, आप किस लैंग्वेज में हैं, आपकी लैंग्वेज हिंदी है तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं हिंदी, उर्दू जो भी है आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ये हिंदी मैंने सर्च कर दी, ये हिंदी आ गया। उसके बाद आप रिकॉर्डिंग डेट यहाँ पे आप
सर्च कर सकते हैं, जैसे टुडे मैंने किया, यहाँ पे आप कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद ये हो गया, अब यहाँ पे डन करेंगे ये पब्लिश हो जाएगा। तो इस तरह से कंप्लीट प्रोसेस चैनल बनाकर आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया चैनल बनाने का तरीका कि चैनल बनाना कैसे होता है। तो ये तो चैनल हमारा बन गया। अब चैनल से जुड़ी हुई बहुत सारी टेक्निकल बातें हैं जो एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं कि मैं सारी बातें कर सकूँ। आगे आने वाले और कुछ वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दिया है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर, वो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो वहाँ पे आप जा करके वो वीडियो और आने वाले YouTube से रिलेटेड तमाम तरह के वीडियोस भी आप देख सकते हैं कि इसके बाद में टैग्स किस तरह का देना चाहिए, टाइटल कैसा देना चाहिए, क्या क्या सेटिंग्स करनी चाहिए ताकि हमारा वीडियो YouTube के फर्स्ट पेज पे कहीं से भी पूरे वर्ल्ड में सर्च किया जाए, मेरा वीडियो फर्स्ट पेज पे आना चाहिए। तो उसके लिए किस तरह के SEOs किए जाते हैं, उन तमाम तमाम तरह के वीडियोस के लिए, उन तमाम तरह की जानकारी के लिए अगले वीडियो का आप इंतजार करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मेल पर मिल जाएगा, मोबाइल पर मिल जाएगा, ताकि आपको अगला वीडियो छूट ना पाए। तो ये आप जान सकते हैं इस तरह से। तो इस वीडियो के लिए आज तो आप तो समझ गए हैं कि किस तरह से चैनल बना सकते हैं, चैनल बनाना आपने सीख लिया है। अब अगले वीडियोस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फ्रेंड्स।